एवरीवन, माय नेम इज प्रखर विश्वारी, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो पहले बहुत खुश रहता था, एकदम मजे में, कोई टेंशन नहीं उसको। एक टाइम ऐसा आया उसके पास जब उसके अंदर लालच आ गया, तभी से लड़ाई झगड़ा करने लगा, सभी को मारने पीटने लगा, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से लड़ाई झगड़ा करने लगा। एक टाइम ऐसा आया उसकी लाइफ का जब उसकी लाइफ की लास्ट स्टेज आ गई, जब वो मरने वाला होता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते रहते हैं और उसकी मुसीबत एक बात निकलती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस कहानी को मैं जब भी सुनता था मेरे अंदर कुछ होता था, पहले मुझे नहीं पता था वो क्या था, लेकिन आज समझ में आता है। भैया तो जब मेरी लाइफ की कुछ लास्ट स्टेज हो गई तो मैं अपने लोगों को क्या बोलूंगा, मैं उनसे कुछ बोलूंगा नहीं, मेरे अंदर बस एक ही बात चल रही होगी कि क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, यह जिया मैं, यह होती है जिंदगी। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है, आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जब आपकी जिंदगी की लास्ट स्टेज होगी ना, आपको यह नहीं बोलना पड़े कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बल्कि यह बोलना पड़े कि क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, यह जिया मैं, यह होती है जिंदगी। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि किसी तरह आपको पता चल जाए कि कल का सूरज आप नहीं देख पाओगे तो आप क्या करोगे। आपके पास कल दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि यह सोचकर आप परेशान होते रहो और रोते रहो, और दूसरा ऑप्शन इन बचे हुए पलों में कुछ ऐसा कर जाओ जैसे यह जानते हो अभी आज कल का सूरज आप नहीं देख पाओगे ना, फिर भी आज आपको कुछ चैन की नींद है, आराम से सो सको, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा दुनिया से। एक लाइन है महाभारत में महावीर कर्ण के, जो मैं आप लोग बता रहा हूँ, हे मृत्यु तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा द्वार खुला है तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। अब मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहूंगा, कुछ लोगों ने जेम चेक करने लगी, क्या मांगे, पैसे ऐसे नहीं मांग लेगा यार, टेंशन नहीं लगा से वो मांगूंगा जहाँ यहाँ पे उपस्थित किसी को भी कुछ दे में दिक्कत नहीं होगी। आज आप लोगों के अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ पाने की भूख, जिससे आप लोगों के अंदर कुछ करने की भूख, कुछ पाने की। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी आपके पास कहीं ज्यादा होगा, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा, उस दिन का कोई भूखा मिले ना यार, तो उसकी थोड़ी सी मदद जरूर कर देना, उसकी थोड़ी सी मदद जरूर कर देना यार। आज मेरी बात को यहाँ पे इतने लोगों ने सुना, जिसके भी यहाँ से आवाज आएगी ना कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिसे मेरी जरूरत है, उस दिन इस पूरी दुनिया में ही नहीं, इस पूरे भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, यह दुनिया बदलेगी, क्योंकि यह होना भी आसान है, आसान है, आसान है। आप मैं एक शायर ही हूँ, तो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कौन कौन कर रहा है भाई, आपके लिए एक लाइन, जब जब दिल टूटता है तब तक साला यूपीएससी का रिकॉर्ड टूटता है, जब जब दिल टूटता है तब तक साला यूपीएससी का रिकॉर्ड टूटता है। ठुकरा दे मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अब यह मौसम जो है बार बार रुख बदल रहा है, कल बारिश हुई थी एक लाइन उसके लिए भी, यह जो मौसम बार बार रुख बदल रहा है, यह जो मौसम बार बार रुख बदल रहा है, लगता है जो टूटे हुए दिलों को आपस में मिला रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी।